हेलो फ्रेंड, अगर आप हॉलीवुड की मूवी के इंग्लिश और हिंदी सबटाइटल की मदद से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। सो फ्रेंड, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इससे आपको पता चलेगा कि किस सिचुएशन में हमें कौन सा सेंटेंस बोलना चाहिए ताकि हम इंग्लिश बोलते वक्त अटके ना। और दूसरा, हमें इससे नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे जो कि हम मूवी के सीन से कनेक्ट करके आसानी से सीख सकते हैं और हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप इन हॉलीवुड सेंटेंस की मदद से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो फ्रेंड, पहला है हमारा व्हाट हैव यू डन। तो यहाँ पर इसने किसी तरीके से अपनी बहन को गिरा दिया जो कि बेहोश हो गई। तो इसके फादर और मदर आए, कह रही है व्हाट हैव यू डन, तुमने ये क्या कर दिया। तो इस सिचुएशन में जब हम कहते हैं कि तुमने क्या कर दिया, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू डन। तो इस पर कह रही है दिस इज़ गेटिंग आउट ऑफ हैंड, ये हाथों से निकल रही है। तो मतलब फ्रेंड, ये सिचुएशन की बात है कि ज़्यादा ठीक नहीं हो रही, बीमार हो रही। तो इसका फादर कह रहा है कि ये अब हमारे हाथों से निकल रही है, दिस इज़ गेटिंग आउट ऑफ हैंड। ये कहने लगी इट वॉज एन एक्सीडेंट, आई एम सॉरी, ये एक दुर्घटना थी, मुझे माफ़ करना। इट वॉज एन एक्सीडेंट, आई एम सॉरी, इट वॉज एन एक्सीडेंट, आई एम सॉरी। नेक्स्ट है फ्रेंड, ये ठंडी है, शी इज़ आइस कोल्ड, आई नो वेयर वी हैव टू गो। ये कह रहा है कि बेहोश है, मुझे पता है हमें कहाँ जाना है इलाज के लिए। तो कह रहा है आई नो वेयर वी हैव टू गो, आई नो वेयर वी हैव टू गो, मुझे पता है हमें कहाँ जाना है, आई है आई नो वेयर वी हैव टू गो। नेक्स्ट है फ्रेंड, प्लीज़ मदद करो, ये मेरी लड़की है। तो ये राजा है, यहाँ पे आके कह रहा है जहाँ पे लोग रहते हैं, प्लीज़ हेल्प मी इट इज़ माई डॉटर, प्लीज़ हेल्प मी इट इज़ माई डॉटर, इट इज़ द किंग, ये तो राजा है। नेक्स्ट है फ्रेंड, आई एम ट्राइंग टू लिसन, मैं सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू लिसन, मैं सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। डू वॉट यू मस्ट, करो जो करना ज़रूरी है, डू वॉट यू मस्ट, करो जो करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है फ्रेंड, शी विल बी ओके, वह ठीक होगी, शी विल बी ओके, वह ठीक होगी, इट इज़ फॉर द बेस्ट, ये अच्छे के लिए है। नेक्स्ट है फ्रेंड, ये कह रहे हैं इस लड़की में खूबसूरत, इस लड़की में क्या है कि शक्तियाँ हैं। तो उसे बता रहा है कि देयर इज़ ब्यूटी इन इट, यानी कि इन जो शक्तियाँ हैं इनमें खूबसूरती है। देयर इज़ ब्यूटी इन इट बट ऑल्सो ग्रेट डेंजर, लेकिन बड़ा ख़तरा भी है, बट ऑल्सो ग्रेट डेंजर। नेक्स्ट है फ्रेंड, तुम्हें ज़रूर इस पर कंट्रोल करना सीखना होगा, यू मस्ट लर्न टू कंट्रोल इट, यू मस्ट लर्न टू कंट्रोल इट। फियर विल बी योर एनमी, डर तुम्हारा दुश्मन होगा, फियर विल बी योर एनमी, डर तुम्हारा दुश्मन होगा। ये कह रहा है इसका फादर, शी कैन लर्न टू कंट्रोल इट, आई एम श्योर, मुझे पूरा यकीन है कि वो इस पर काबू करना सीख लेगी, कंट्रोल करना सीख लेगी। शी कैन लर्न, वो सीख सकती है टू कंट्रोल इट, इस पर काबू करना, आई एम श्योर, मुझे पूरा यकीन है। नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए अनटिल देन, हम लोगों के साथ इसका संबंध सीमित कर देंगे, वी विल लिमिट हर कॉन्टैक्ट विद पीपल, वी विल लिमिट हर कॉन्टैक्ट विद पीपल, और इसकी शक्तियाँ सबसे छिपा के रखेंगे, एंड कीप हर पावर हिडन फ्रॉम एवरीवन, एंड कीप हर पावर हिडन फ्रॉम एवरीवन। नेक्स्ट है फ्रेंड, चली जाओ, गो अवे। तो यहाँ पे वो अंदर है, एक लड़की उसे परेशान कर रही है, बच्ची तो कह रही है गो अवे, चली जाओ, गो अवे ना, मैं डरी हुई हूँ, आई एम स्केर्ड, यह ताकतवर होती जा रही है, यानी कि शक्तियाँ और ताकतवर होती जा रही है। इट इज़ गेटिंग स्ट्रोंगर। सो फ्रेंड, गेटिंग यूज़ होता है यहाँ पे, जो स्ट्रॉन्ग मतलब होती जा रही है। जैसे कि किसी ने आपको चाय दिया, तो आपने चाय रख दी, तो चाय जो है ठंडी हो रही, तो आप उस सिचुएशन में भी कह सकते हो कि इट इज़ गेटिंग कोल्ड, ये ठंडी हो रही है। फ्रेंड, इस तरह हम गेटिंग का, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर की बात है, इट इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर, ये स्ट्रॉन्गर होती जा रही है। अपसेट होने से यह सिर्फ बेकार होगा, शांत हो जाओ। गेटिंग अपसेट ओनली मेक इट वॉर्स, काम डाउन, शांत हो जाओ, मुझे मत छोड़, डोंट टच मी। नेक्स्ट है फ्रेंड, नेक्स्ट है मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती, प्लीज़ आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू। नेक्स्ट है फ्रेंड, मैं जानती हूँ तुम वहाँ हो, आई नो यू आर इन देयर। लोग पूछ रहे हैं तुम कहाँ हो, पीपल आर आस्किंग वेयर यू हैव बीन, लोग पूछ रहे हैं तुम कहाँ हो। नेक्स्ट है फ्रेंड, मुझे अंदर आने दो, जस्ट लेट मी इन, जब भी हम कहते हैं कि मुझे अंदर आने दो, हम कहेंगे जस्ट लेट मी इन। नेक्स्ट है फ्रेंड, मुझे ये क्यों पहनना होगा, तो इसकी माँ जो है इस बच्चे को कपड़े पहना रही है, तो इस पर बोल रहा है मुझे क्यों पहनना होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, कह रहा है व्हाई डू आई हैव टू वेयर दिस। सो फ्रेंड, इस तरह के सेंटेंस हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, सेंटेंसेस जैसे कि कोई हमसे कुछ करवा रहा है, हम कह रहे हैं कि हमें ऐसा क्यों करना होगा, व्हाई डू वी हैव टू डू इट। नेक्स्ट है फ्रेंड, सो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट सेंटेंस और सबटाइटल है तुम्हें जगाने के लिए माफ़ी मांगता हूँ। तो यहाँ ये सो रही थी, किसी ने उसे जगा दिया, तो बोल रहा है सॉरी टू वेक यू, तुम्हें जगाने के लिए माफ़ी मांगता हूँ मैम, सॉरी टू वेक यू मैम। नेक्स्ट है फ्रेंड, नेक्स्ट टाइम मैं घंटों से जागी हुई हूँ,
आई हैव बीन अप फॉर आवर्स, आई हैव बीन अप फॉर आवर्स। नेक्स्ट है फ्रेंड, यह कौन है, हु इज़ इट, मैं ही हूँ मैम, स्टिल मी मैम। नेक्स्ट है फ्रेंड, गेट जल्दी ही खुल जाएंगे, तैयार होने का समय है, द गेट्स विल ओपन सून, टाइम टू गेट रेडी, टाइम टू गेट रेडी। तैयार किस, ये कह रही है तैयार किस लिए, रेडी फॉर वॉट, रेडी फॉर वॉट। तो इस पर बोल रहा है तुम्हारी बहन की क्रोनेशन के लिए, क्रोनेशन मतलब कॉर्नेशन होता है फ्रेंड, कॉर्नेशन बोलते हैं ताजपोशी को, जैसे कि कोई जैसे कि राज परिवार में जब कोई राजा मर जाता है उसके बाद जो दूसरा राजा उसके लिए राजतिलक जो होता है उसे बोलते हैं कॉर्नेशन। तो तुम्हारी बहन के कॉर्नेशन के लिए, सिस्टर्स कॉर्नेशन मैम। नेक्स्ट है फ्रेंड, मुझे मिल रहा है जिसके मैं सपने देख रही हूँ, यू कह रही है आई एम गेटिंग वट आई एम ड्रीमिंग ऑफ, मुझे मिल रहा है जिसके मैं सपने देख रही हूँ, आई एम गेटिंग वट आई एम ड्रीमिंग ऑफ। नेक्स्ट है फ्रेंड, क्या तुम ठीक हो, आर यू ओके, आर यू ओके। नेक्स्ट है फ्रेंड, मैं कभी अच्छी नहीं रही, ये बहुत अच्छा है, आई हैव नेवर बीन बेटर, आई हैव नेवर बीन बेटर, दिस इज़ सो नाइस, मेरी इच्छा है ये हमेशा ऐसा ही रह सके, आई विश इट कुड बी लाइक दिस ऑल द टाइम, आई विश मेरी इच्छा है इट कुड बी लाइक दिस ऑल द टाइम, ये हमेशा ऐसे ही रह सके। तो इस पर बोल रही है मेरी भी, मी टू। फिर कहने लगी लेकिन यह नहीं हो सकता, बट इट कांट, बट इट कांट। इस पर बोल रही है लेकिन क्यों, वाई नॉट, ये कह रही कि क्यों नहीं, वाई नॉट, ये नहीं हो सकता, इट जस्ट कांट। नेक्स्ट फ्रेंड, अच्छा हुआ मैंने तुम्हें पकड़ लिया, तो यहाँ एक लड़की गिर रही थी एकदम, इसने गिरते से पकड़ लिया, तो बोल रहा है ग्लैड आई कॉट यू। कैच की फ्रेंड सेकंड फॉर्म होती है कोट, कैच की, कैच को कहते हैं पकड़ने को, सेकंड फॉर्म होती है कोट, ग्लेट आई कोट यू, अच्छा मैंने तुम्हें पकड़ लिया। नेक्स्ट है फ्रेंड, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ प्लीज़ अकेले में, मैं आई टॉक टू यू प्लीज़ अलोन, मैं आई टॉक टू यू प्लीज़ अलोन। नेक्स्ट है फ्रेंड, जो कुछ भी कहना है हम दोनों से कह सकती हो, ये कह रही है अकेले में नहीं, जो कुछ भी कहना है हम दोनों से कह सकती हो, नो वट एवर यू हैव टू से यू कैन से टू बोथ ऑफ अस, वट एवर यू हैव टू से यू कैन से टू बोथ ऑफ अस। नेक्स्ट है फ्रेंड, ठीक है तुम उस इंसान से शादी नहीं कर सकती हो जिससे तुम अभी अभी मिली हो, तो इस लड़के से अभी मिली और एकदम उसे शादी करने को कह, तो उसकी बड़ी बहन कह रही है तुम उस इंसान से शादी नहीं कर सकती जिससे तुम अभी मिली हो, यू कांट मेरी अ मैन यू जस्ट मेट, यू कांट मेरी अ मैन यू जस्ट मेट। नेक्स्ट है फ्रेंड, तुम कर सकती हो अगर प्यार सच्चा है, तो उस पर कह रही है यू कैन इफ़ इट इज़ ट्रू लव, तुम कर सकती हो अगर प्यार सच्चा है, यू कैन इफ़ इट इज़ ट्रू लव। नेक्स्ट है फ्रेंड, तुम क्या जानती हो सच्चे प्यार के बारे में, एना व्हाट डू यू नो अबाउट ट्रू लव, व्हाट डू यू नो अबाउट ट्रू लव। नेक्स्ट है फ्रेंड, व्हाट डू यू नो अबाउट ट्रू लव, ये कह रही है मोर देन यू, तुमसे ज़्यादा, मोर देन यू, ये पूछ रही है ना कि तुम कितना जानती हो सच्चे प्यार के बारे में, तुम क्या जानती हो, व्हाट डू यू नो अबाउट ट्रू लव, तो इस पर कह रही है मोर देन यू, तुमसे ज़्यादा। नेक्स्ट है फ्रेंड, मैं इस तरह से और नहीं रह सकती, आई कांट लिव लाइक दिस एनी मोर, आई कांट लिव लाइक दिस एनी मोर। नेक्स्ट है फ्रेंड, मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा, ये कह रही है कि तुम मुझे कुछ नहीं, मेरा मतलब ध्यान नहीं रखती, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कभी क्या किया, व्हाट डिड आई एवर डू टू यू, व्हाट डिड आई एवर डू टू यू। नेक्स्ट है फ्रेंड, ये कहने लगी बहुत हुआ है ना, इनफ है ना, जब भी हम कहते हैं कोई हमें ज़्यादा परेशान करता है हम कहते हैं इनफ, यानी कि बहुत हुआ, इनफ है ना, बहुत हुआ। नेक्स्ट है फ्रेंड, तुम किस चीज़ से इतना डरी हुई हो, व्हाट आर यू सो अफ्रेड ऑफ, व्हाट आर यू सो अफ्रेड ऑफ। नेक्स्ट है फ्रेंड, वो रही वह, उसे रोको, देयर शी इज़, देयर शी इज़, स्टॉप हर, तो कह रहे हैं कि वो भाग रही है कि देयर शी इज़, वे रही वह, स्टॉप हर, उसे रोको, स्टॉप हर। नेक्स्ट है फ्रेंड, प्लीज़ मुझसे दूर रहो, प्लीज़ जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी, प्लीज़ जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी, स्टे अवे, दूर रहो, स्टे अवे, दूर रहो। नेक्स्ट है फ्रेंड, क्या तुम जानती थी, डिड यू नो, तो पूछ रहा है कि तुम्हारी बहनों के पास, तुम्हारी बहन के पास इतनी शक्ति है, क्या तुम पहले जानते थे, पूछ रहा है डिड यू नो, क्या तुम जानती थी, डिड यू नो, क्या तुम जानती थी, उसे रुकना ही होगा, शी मस्ट बी स्टॉप, उसे रुकना ही होगा, शी मस्ट बी स्टॉप, यू हैव टू गो आफ्टर हर, तुम्हें उसके पीछे जाना होगा, यू हैव टू गो आफ्टर हर। नेक्स्ट है फ्रेंड, और मेरी बहन मॉन्स्टर नहीं है, एंड यहाँ पे सब इसकी बहन को मॉन्स्टर कहने लगे, तो ये कह रही है एंड माई सिस्टर इज़ नॉट अ मॉन्स्टर, एंड माई सिस्टर नॉट अ मॉन्स्टर, ये कह रहा है उसने लगभग मुझे मार ही दिया था, शी नियरली किल्ड मी, शी नियरली किल्ड मी, उसने लगभग मुझे मार ही दिया था। इस पर कह रहा है तुम बर्फ़ पे फिसले थे, यू स्लिप्ड ऑन आइस, यू स्लिप्ड ऑन आइस, और वह एक दुर्घटना थी, वह डरी हुई थी, इट वॉज एन एक्सीडेंट, शी वॉज स्केयर्ड, इट वॉज एन एक्सीडेंट, शी वॉज स्केयर्ड, वह एक दुर्घटना थी, वह डरी हुई थी। नेक्स्ट फ्रेंड, उसके ऐसे करने का मतलब नहीं था, ये कह रही है कि उसका ऐसा कुछ करने का मतलब नहीं था, शी डिडंट मीन इट, शी डिडंट मीन इट, उसका ऐसा कुछ भी करने का मतलब नहीं था, शी डिडंट मीन एनी ऑफ दिस, शी डिडंट मीन एनी ऑफ दिस। नेक्स्ट फ्रेंड, आज रात मेरी गलती थी, मैंने उसे धक्का दिया था, टू नाइट वॉज माई फॉल्ट, आई पुश्ड हर, पुश्ड हर यानी धक्का दिया था, टू नाइट वॉज माई फॉल्ट, आई पुश्ड हर। नेक्स्ट फ्रेंड, मैं उसे वापस लाऊंगी, और
आई विल ब्रिंग हर बैक, आई विल ब्रिंग हर बैक एंड आई विल मेक दिस राइट, और मैं इसे सही करूँगी। जो सिचुएशन बिगड़ गई है उसे कह रही है आई विल मेक दिस राइट, मैं सही करूँगी। नेक्स्ट फ्रेंड, क्या तुम्हें यकीन है तुम उस पर भरोसा कर सकती हो? आर यू श्योर यू कैन ट्रस्ट हर, आर यू श्योर यू कैन ट्रस्ट हर। नेक्स्ट फ्रेंड, शी इज़ माई सिस्टर, वो मेरी बहन है। शी इज़ माई सिस्टर, वो मेरी बहन है। शी वुड नेवर हर्ट मी, मुझे कभी चोट नहीं पहुँचाएगी। शी वुड नेवर हर्ट मी, मुझे कभी चोट नहीं पहुँचाएगी। बेशक ऐसा कुछ नहीं होता। ऑफकोर्स नन ऑफ इट वुड हैपन, ऑफकोर्स नन ऑफ इट वुड हैव हैपन इफ़ शी हैड जस्ट टोल्ड मी हर सीक्रेट, अगर वो मुझे अपना राज बता देती। तो जितना भी यहाँ भी गड़बड़ हुई है तो ये कह रही है इफ़ शी हैड जस्ट टोल्ड मी हर सीक्रेट, अगर वह मुझे अपना राज बता देती। बेशक ऐसा कुछ नहीं होता, नन ऑफ इट वुड हैव हैपन, ऐसा कुछ नहीं होता, नन ऑफ इट वुड हैव हैपन अगर वह मुझे अपना राज बता देती, इफ़ शी हैड जस्ट टोल्ड मी हर सीक्रेट। नेक्स्ट है फ्रेंड, क्या कोई और जवान लड़की, ये पूछ रही है कि क्या कोई और जवान लड़की यहाँ से गुजरी है। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे, क्योंकि अपनी बहन को ढूंढ रही है तो एक दुकानदार से पूछ रही है कि क्या कोई जवान लड़की यहाँ से गुजरी है। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे हैज़ एनी Has another young woman, ये कह रही है कि मैं तो आई हूँ क्या मुझसे अलग भी। Has another young woman, has another young woman passed through her, passed through her यानी यहाँ से गुजरी है। Has another young woman passed through her, passed through her, क्या कोई यहाँ से, क्या कोई और जवान लड़की यहाँ से गुजरी है। नेक्स्ट है फ्रेंड, ओके जस्ट टेल मी वन थिंग, ठीक है मुझे बस एक बात बताओ। जस्ट टेल मी वन थिंग, ओके जस्ट टेल मी वन थिंग, ठीक है मुझे सिर्फ एक बात बताओ। What was happening on the North Mountain? उत्तरी पर्वत पर क्या हो रहा था, उत्तरी पर्वत पर क्या हो रहा था। What was happening on the North Mountain? नेक्स्ट फ्रेंड, What did you call me? तो उस लड़के ने इसे एकदम मोटा कह दिया, ऐसे गुस्सा आ गया, इस पर कहने लगा What did you call me? तुमने अभी मुझे क्या कहा था। What did you call me? तुमने अभी मुझे क्या कहा था। नेक्स्ट है फ्रेंड, तुम हो क्या चाहती हो तुम। तो यहाँ एक लोग बैठे थे, एकदम अचानक से आती है तो डर जाता है, तो उसकी तरफ को देख के कहता है तुम हो, इट इज़ जस्ट यू। What do you want? तुम क्या चाहती हो। नेक्स्ट फ्रेंड, आई वॉन्ट यू टेक मी अप टू द नॉर्थ माउंटेन, मैं चाहती हूँ तुम मुझे ऊपर नॉर्थ पर्वत पर ले जाओ। आई वॉन्ट यू टू टेक मी अप द नॉर्थ माउंटेन। नेक्स्ट फ्रेंड, हैव यू हैड अ मील विद हिम येट, तो ये सब अपनी कहानी बता रही है, कह रही है कि मुझे एक लड़के से प्यार हो गया जिससे मैं अभी मिली। तो उससे वो हंस के कहने लगा एकदम से, और उसे सच्ची मोहब्बत बता रही है। तो हंस के कहने लगा हैव यू हैड मील विद हिम येट, क्या तुमने अभी तक उसके साथ खाना खाया है, क्या तुमने उसके साथ अभी तक खाना खाया है। हैव यू हैड अ मील विद हिम येट, लुक इट डजेंट मैटर, ये कह रही है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट इज़ ट्रू लव, देखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लुक इट डजेंट मैटर, इट इज़ ट्रू लव, यह सच्ची मोहब्बत है, इट इज़ ट्रू लव, ये सच्ची मोहब्बत है। इट डजेंट साउंड लाइक अ ट्रू लव, ये कह रहा है ये सुनने में सच्ची मोहब्बत नहीं लगती, इट डजेंट साउंड लाइक ट्रू लव। नेक्स्ट फ्रेंड, वे क्या है, वट आर दे, वट आर दे, तो यहाँ एकदम भेड़िए आ जाते हैं। तो ये लड़की पूछ रही है वे क्या है, वट आर दे, कहने लगा वोल्स, भेड़िया, भेड़िया। तो इस पर कहने लगी हम क्या करें, वट डू वी डू, वट डू वी डू, मुझे यह मिल गया, आई गोट दिस, आई गोट दिस। नेक्स्ट फ्रेंड, तुम सिर्फ, यो कह रहा है कि तुम सिर्फ, यू जस्ट डोंट फॉलो एंड डोंट गेट ईटन, तुम सिर्फ गिरना मत और खाई मत जाना। यू जस्ट डोंट फॉलो एंड डोंट गेट ईटन, डोंट गेट ईटन मतलब खाई मत जाना, एंड डोंट फॉलो ऑफ और गिर नहीं मत। नेक्स्ट में फ्रेंड, बट आई वॉन्ट टू हेल्प, लेकिन मैं मदद करना चाहती हूँ, बट आई वॉन्ट टू हेल्प, लेकिन मैं मदद करना चाहती हूँ, नहीं। तो उस पर कहने लगी वाई नॉट, वाई नॉट, क्यों नहीं। नेक्स्ट में फ्रेंड, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट योर जजमेंट, क्योंकि मुझे तुम्हारे फैसले पसंद नहीं है, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट योर जजमेंट, मुझे तुम्हारे फैसले पसंद नहीं। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। फ्रेंड मैं बता दूँ कि इसकी एक पार्ट और है जो कि अभी अपलोड होगा, ये पूरी मूवी नहीं हुई, अभी आधी मूवी हुई है, तो उसका भी हम जल्दी अपलोड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद हुई तो हमें कमेंट में बताना कि आप अगर इसका दूसरा पार्ट चाहते हो। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना हो सके तो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।